हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रूपेश टेक। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचटीएमएल एंटिटीज के ऊपर। आपको पता है कि एचटीएमएल के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर हैं जो रिजर्व होते हैं। उन सारे कैरेक्टर को डिस्प्ले करने के लिए हम एचटीएमएल एंटिटीज का यूज करते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो एचटीएमएल एंटिटीज को ही पढ़ना है। तो आज का हमारा लेक्चर क्या है, एचटीएमएल एंटिटीज। एचटीएमएल एंटिटीज का यूज क्यों करते हैं, इसका यूज हम टू डिस्प्ले सम स्पेशल कैरेक्टर्स ऑन आवर वेब पेज, to display some special character on our web page। Actually होता क्या है कि बहुत सारे character रिजर्व होते हैं, ठीक है। सपोज ये greater than less than का साइन है और ये greater than का साइन है, इन दोनों साइन को हम entities के through display कर पाएंगे। तो इसके लिए, इन दोनों के लिए या तो आप यूज कर लीजिए entities name, entity name, या फिर स्टार सिंबल होता है उसे आप यूज कर लेंगे, ठीक है। उसके थ्रू भी ये डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो ये इन चीज़ों को जानने के लिए आपको W3 स्कूल पे आना है, यहाँ पे आपको दिया है, ठीक है। तो एंटिटीज नेम के थ्रू और एंटिटी नंबर के थ्रू भी जो है आप इसे डिस्प्ले कर सकते हैं, सिंबल ही एंटिटी नंबर दोनों वैसे इसे हम डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो आप W3 स्कूल पे आकर देख लेंगे सारी, जैसे यहाँ पे जो है लेस देन का साइन है, इस लेस देन के साइन को डिस्प्ले करने के लिए या तो आप ये एंटिटी नेम जो है एंड और एलटी इसे यूज करेंगे, या फिर एंड हर साइन है और 60 इसे यूज करेंगे। जो भी हो जो यहाँ पे दिया हुआ है, सपोज करते हैं आपको जो है कॉपीराइट सिंबल का यूज करना है तो आप ये यूज कर सकते हैं कॉपीराइट के लिए एंटिटी नेम, या फिर ये यूज कर सकते हैं नंबर, या आप एंटिटी नंबर या एंटिटी नेम के थ्रू, दोनों के थ्रू जो है इसे डिस्प्ले कर सकते हैं। ये सब जो है स्पेशल कैरेक्टर जो रिजर्व होता है इसके लिए हम यूज करते हैं। तो आइए हम इसे आप अपने वेब पेज के ऊपर देख लेते हैं कैसे डिस्प्ले करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने एक बेसिक स्ट्रक्चर है HTML का, उस बेसिक स्ट्रक्चर को पहले हम ड्रा कर लेते हैं। तो हमारा पहला बेसिक क्या है कि हम HTML से शुरू करते हैं और HTML के बाद जो हमारा होता है वो हेड सेक्शन होता है। हेड सेक्शन के अंदर जो हमारा आता है वो टाइटल सेक्शन आता है, और इस टाइटल के अंदर जो हमारा आज का टॉपिक है वो है HTML entities, HTML entities, ठीक है। और इस हेड सेक्शन के जस्ट नीचे जो हमारा आएगा वो आ रहा है बॉडी सेक्शन, जिसमें हमारा वेब पेज का पूरा पार्ट होने वाला है बॉडी सेक्शन, ठीक है। तो अभी आप जो देखेंगे बॉडी सेक्शन में हम सपोज क्या करते हैं, एंकर टैग का यूज कर लेते हैं, एंकर टैग का यूज कर लेंगे। एंकर टैग का यूज करने के बाद हम चेक करते हैं कि हमारे बॉडी हमारे वेब पेज के अंदर कुछ डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो गो लाइव पे क्लिक करें और देखें दिख जाता है कैसा दिखता है हमारा वेब पेज। तो देखो अभी हमारे वेब पेज के अंदर कुछ भी दिख नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने बॉडी के कंटेंट के अंदर कुछ दिया ही नहीं। हम क्या चाह रहे हैं, इस बॉडी के अंदर हम कुछ इस तरह का डिस्प्ले करना चाहते हैं। हम ये लेसन के अंदर लेसन गेटर यस है इस टाइप का जो है हम डिस्प्ले करना चाहते हैं। ये जो है इस टाइप का डिस्प्ले होना चाहिए, to display like this, इस टाइप का हम डिस्प्ले करना चाहते हैं। इसे कमेंट सेक्शन में डाल देते हैं, ठीक है। तो ये जो देख रहे हैं क्या होना चाहिए, लेस देन का साइन और बीच में ए और फिर ये क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, दोनों का हम लेस देन ए और ग्रेटर देन का साइन होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम अपने एंटिटीज के अंदर जाएंगे और चेक करेंगे कि लेस देन का साइन के लिए हम कौन से एंटिटी का यूज करते हैं। तो देखिए लेस देन के लिए जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ये आपका लेस देन के लिए है, एंटिटी नेम क्या है यहाँ पे ये है। तो इसे आप क्या करेंगे, कॉपी कर लीजिए और डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। तो कॉपी करके पेस्ट कर दिए, ये आपका हो गया। अब जो है, अब इसके बाद हमारा तो ये साइन यहाँ पे आ गया, अब हमारा ए आना है तो यहाँ पे हम ए लिख लेते हैं। इसके बाद इस ब्रैकेट को क्लोज करें, यानी ओपन ब्रैकेट जो है ये ग्रेटर देन का साइन, इसके लिए हम ये यूज करेंगे यहाँ पे दिया हुआ है। ग्रेटर देन को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं जस्ट ए के बाद, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब आप चेक करिए आपके जो है वेब पेज के अंदर ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, तो देख लो दिख गया है ठीक यहाँ पे। तो इस तरह से जो है अपना एंटिटीज का नाम जो है यूज करते हैं, जैसे कैरेक्टर या स्पेशल सिंबल डिस्प्ले करने के लिए। ये तो हमने आपको बताया किसके थ्रू, हमने बताया एंटिटी नंबर के थ्रू आपने इसे कर लिया, एंटिटी नेम के थ्रू। अब हम चाहते हैं कि नंबर के थ्रू भी कर लें, तो सेम थिंग ऐसे ही करना है। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ए और जो यहाँ पे है
लेस देन का साइन, लेस देन के साइन के लिए जो हमारा एंटिटी नंबर है वो क्या है, ये है आपका 9% है 60, ठीक है। तो इसे कॉपी कर लीजिए और डायरेक्टली यहाँ पे आप इसे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, हमारा ए है और ए के बाद जो है ग्रेटर देन का जो साइन है उसके लिए जो हमारा एंटिटी नंबर है वो क्या है, यहाँ देख लो ये है, तो इसे हम कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब चेक करिए कि दो बार ये ऐसा सिंबल आ चुका होगा आपके पेज के अंदर, ठीक है। तो देख लो यहाँ दो बार आ गया है पेज के अंदर, ये चीज़ें दिख गई आपको, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम अपने एंटिटीज को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट हम चाहते हैं कि कॉपीराइट सिंबल का यूज करें टू डिस्प्ले कॉपीराइट, कॉपीराइट सिंबल का यूज करेंगे कैसे होगा, कॉपीराइट कैसे डिस्प्ले करेंगे। एक कॉपीराइट यहां लिखा हुआ है तो कॉपीराइट के लिए हम इससे पहले हम कमेंट सेक्शन में डाल देते हैं। तो कॉपीराइट के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो कॉपीराइट सिंबल करना था, हम एक पैराग्राफ लिख लेते हैं। इस पैराग्राफ के अंदर हम क्या करते हैं, रुपेश टेक लिखते हैं, रुपेश टेक, ठीक है, रुपेश टेक लिखते हैं। और आपको जो है रुपेश टेक के आगे हम ये सिंबल जो है कॉपीराइट का लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए जो आपका एंटिटी नेम होगा तो एंटिटी नेम जो है एम्परसेंड कॉपी को जो है कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे जो है पेस्ट कर लीजिए, ठीक है। तो अब जो है आपको जो है यहाँ पे ये यह दिख जाएगा कॉपीराइट का साइन, ठीक है, कॉपीराइट का साइन यहाँ पे दिख गया रुपेश टेक के सामने। अब ये तो हमने एंटिटी नेम के थ्रू कर लिया, और नंबर के थ्रू कैसे करना है, तो सेम थिंग को कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर देते हैं और इस चीज़ को यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे नंबर ले आते हैं। तो देखो यहाँ पे ये नंबर है, इस नंबर को कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो, तो देखो यहाँ पे आपको दोबारा आ गया होगा ऐसे बॉल, तो रुपेश टेक आ गया इसके सामने। तो इस तरह से जो हम अपने एंटिटी का यूज कर सकते हैं स्पेशल कैरेक्टर सिंबल को डिस्प्ले करने के लिए ऑन आवर वेब पेज, ठीक है, ये चीज़ तो ठीक है। नेक्स्ट जो हम देखेंगे इसके अंदर हम ट्रेडमार्क का यूज कैसे करते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, सेम थिंग वही है, सपोज करते हैं आपका जो कंपनी है इंडियन आयल, इस इंडियन आयल के सामने जो है हमारा ट्रेडमार्क डिस्प्ले करना चाहिए। ट्रेडमार्क कैसा होता है, देखिए ये आपका जो है ये ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है आर सिंबल, तो ठीक, इसके लिए हम क्या करते हैं एंटिटी नेम को कॉपी करते हैं और जस्ट बिफोर इंडियन आयल टेस्ट कर देते हैं, तो आपका ये ट्रेडमार्क दिख जाएगा, देखो यहाँ दिख गया। अब नंबर के थ्रू कैसे करना है, इसको सीधे कंट्रोल से कंट्रोल भी करना है और जो यहाँ पे हमने नेम किया इसको हटा के नंबर वाला जो कोड है उसे आप कॉपी कर लीजिए, तो नंबर वाला कोड ये है और इसे डायरेक्टली जो है आप पेस्ट कर दो, तो यहाँ पे दोबारा आपको ये चीज दिख जाएगी, ठीक है। तो हमने ट्रेडमार्क का भी यूज कर लिया, कॉपीराइट का भी कर लिया, कैसे कैसे करना है, एचटीएमएल एंटिटीज को हम इस तरीके से यूज करते हैं, और भी सारी एचटीएमएल एंटिटीज सारी चीज़ मैं बता नहीं पा रहा, इन सारी चीज़ों को आप जाकर डायरेक्टली जो है कॉपी करके पेस्ट करके आप डायरेक्टली देख सकते हैं, समझ सकते हैं जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। एक रेफरेंस के लिए आप W3SO को जरूर फॉलो कीजिएगा, ये काफ़ी अच्छी वेबसाइट है आपके वेबसाइट डिजाइन के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाद में कोई इशू हो कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के थ्रू आपका रिस्पॉन्स मिल जाएगा। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं आई फ्रेम के ऊपर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड बाय बाय।